से बात करते हैं, मास्टर मोइन की। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, तो क्या हुआ कि कोई पॉइंट भूल ना जाओ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। देखो सबसे पहले हम आते हैं उनके नाम पर, मास्टर मर्लिन। एक तो वो असेंडेड मास्टर्स है, आपको मालूम है असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? आप लोगों को मालूम ही होगा, दोज मास्टर्स हुए वर्क इन वर्ल्ड फिजिकली, वो जन्मे थे, उन्होंने वो रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम बिताई है पूरी, एंड आफ्टर दैट उनकी मृत्यु नहीं हुई, दे हैव वैनिश्ड। पंच तत्वों में उनका शरीर वैनिश होकर गायब हो गया, हो गए, और उनकी जो सोल है इट इज ऑलवेज देयर, दे हैव बीन डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम, यू नो हू एवर देयर, बाय द सुप्रीम गॉड, कि यू हैव टू हेल्प पीपल ऑन अर्थ। और खाली अर्थ में ही नहीं, बहुत सारे हमारे डायमेंशंस होते हैं। देखिए, जब तक हमने किसी चीज को विटनेस नहीं किया होता ना, हम उसकी सच्चाई को मानते नहीं है। और मैजिक यही है, मैजिक यही है। मास्टर मर्लिन मैजिशियन क्यों कहलाते थे? थोड़ी सी मैं हल्की सी हिस्ट्री बताती हूँ। एक्चुअली मास्टर मर्लिन का दौर कब से आया? इट इज अराउंड मिडल एजेस, लाइक 12th सेंचुरी। ठीक है, जब किंग आर्थर बर्थ लेने वाले थे। किंग आर्थर ने यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से गांव में, उसका नाम था टिनटेगल, टिनटेगल नाम के गांव में टिनटेगल कैसल था, और बहुत सारा ना रफ एरिया था, एकदम रफ एरिया था, और उसके अंदर दूर पहाड़ी के ऊपर जाकर उनका कैसल था। उस कैसल में किंग आर्थर जन्मे थे, और वहां से मैजिक की शुरुआत हुई। उससे पहले मास्टर मर्लिन ऑलरेडी जन्म ले चुके थे, वो काफी एज के थे। लेकिन व्हाट इज मैजिक एक्चुअली? जो मास्टर मर्लिन थे वो एक साइंटिस्ट थे उस दौर के, ऑकल्टिस्ट थे उस दौर के, मैथमेटिशियन थे उस दौर के, इन कॉम्बिनेशन ही वॉज अ जेंटलमैन विद हाईएस्ट विजडम। जब प्लेन नहीं बना था तो वो क्या कहते हैं, कौन सा था राम जी जिसपे आए थे, पुष्पक विमान, मैजिक लगता था ना हमें। बस वही चीज है, मास्टर वर्लिन वॉज अ मैन विद हाईएस्ट विजडम। उनको एलिमेंट्स के साथ खेलना आता था, ही न्यू कि कैसे एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे तो क्या होगा। उस वक्त उन लोगों के लिए वो मैजिक था, बिकॉज उनकी जो विजडम थी बहुत एडवांस थी, और उनकी विजडम आज भी एडवांस है, जो हमसे भी एडवांस है, हम अभी तक उनकी विजडम तक आ ही नहीं पाए। ही वॉज वन ऑफ द मैन विद द हाईएस्ट विजडम, ही कुड प्ले विद, ही कुड नो द यू नो डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हाउ टू प्ले विद दोज एलिमेंट्स, हाउ टू प्ले विद द एनर्जीज अवेलेबल ऑन द अर्थ, और विद द ग्रेविटी, विद द अर्थ, विद द प्लैनेट्स। उनके पास बहुत सारी विजडम थी, जो एक इंसान को, जब इंसान शुरू शुरू में बना था विद द प्योरेस्ट सोल, उसके पास ये सारी विजडम थी। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम एंड बहुत सारी चीजें हमने छोड़ते गए, चेंज होती चली गई, वो विजडम सब चीज हमारे पास खत्म हो गई। उसका एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हुई है, वी नो अबाउट इट, एटलांटी, एटलांटियंस, लेमुरियंस, है ना, सुमेरियंस, मायंस, ये सारी सभ्यताओं के बारे में आपने सुना होगा ना किसी के बारे में। तो उसके बाद इजिप्शियन, ये सारे जो लोग थे उनके पास ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी, एंड वी आर वर्किंग विद द 5 तत्वास, दे यूज टू वर्क विद द 36 तत्वास, विद द हेल्प ऑफ दोस 36 तत्वास दे वर एबल टू मैनिपुलेट द एनर्जीज, दे न्यू अबाउट इट, और बिकॉज हमें नहीं मालूम, बिकॉज वो लोग उस चीज से करते हैं तो हमें वो मैजिक लगता है। पहले हम पुराणों में, वेदों में पढ़ते हैं कि भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे, है ना। अब ये जो वर्चुअल रियलिटी है, व्हाट इज दैट? यस, स्लोली स्लोली वी आर कमिंग टू दैट। तो यही है, ये है मैजिक। लेकिन मैजिक, वर्चुअल रियलिटी तो बहुत छोटा पार्ट है उस चीज का, दिस सो मच, सो सो मच बियॉन्ड। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग, ओनली टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल स्पेस, बट वी नो हाउ टू वर्क विद 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, अप टू मेनी मेनी 12 डायमेंशन, जो लास्ट लेयर ऑफ डायमेंशन होती है, नो मल्टी डायमेंशनल। ही नोज हाउ टू वर्क विद द पैरेलल वर्ल्ड, ही नोज हाउ टू वर्क विद, यू नो, पैरेलली विद लैक्स एंड करोड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ। बिकॉज क्या है, आपने श्री कृष्ण का सुना था ना कि वो अपनी 16,000 रानियों के साथ एक साथ होते थे, मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस मैजिशियन।
राइट, वही सारी टेक्निक्स है। बट क्या होता है कि उनको मालूम है हमें नहीं मालूम, तो हमारे लिए मैजिक है। अब हम क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं आती, व्हाट वी डू, वी एक्चुअली टेक हेल्प ऑफ दीज एनर्जीज एंड दे आर सो बेनिवोलेंट। बेसिकली देखिए, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाए, वी ऑल आर ऑकल्टिस्ट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज नो डुअलिटी, वी ऑल आर वन एंड वी आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ वन सिंगल एग्जिस्टेंस, वी आर द फ्रेगमेंट्स, है ना? हम बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी चीजें, हम मल्टीप्लाइड वर्जन ऑफ वन सिंगल सेल है, ठीक है? तो वो जो एक सिंगल कॉन्शियसनेस है ना, वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करना जानते हैं इन डिफरेंट डायमेंशंस थ्रू एज मेनी फॉर्म्स एज दे कैन टेक। जो 36 तत्व हैं, उनको वो सिंगल, दे कैन वर्क विद एयर, सिर्फ एयर के साथ, या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 36 तत्व से एक साथ। सोचो, दिस इज द मैजिक, है ना? कितना ग्रेट। सी, एवरीथिंग इज बिफोर आर आईज, वी ओनली नीड टू यू नो लुक एट इट विद आर विजडम, जितनी भी हमारे पास है और हम सीखते हैं, एंड वी ऑलवेज क्रेव फॉर मोर विजडम एवरी टाइम, राइट? तो उनको अल्केमिस्ट, पता है ना, अल्केमिस्ट कहते हैं मास्टर मर्लिन को, वी कॉल हिम अल्केमिस्ट। व्हाई? क्योंकि वो 36 तत्वास के साथ ही कैन फॉर्मुलेट एंड ही कैन डू मेनी थिंग्स। बिकॉज अल्केमिस्ट कौन होते हैं, दे कैन वर्क विद एलिमेंट्स, दे कैन कंट्रोल एलिमेंट्स। अब किसने कहा था कंट्रोलिंग के लिए, श्रुति जी ने कहा था ना, ही कैन कंट्रोल, ही हैज द कंट्रोल ओवर थिंग्स, ये है कंट्रोल। श्रुति जी, समझ आया कि नो हाउ टू वर्क विद डिफरेंट एलिमेंट्स। और जो हमारे साइंटिस्ट स्ट्राइव कर रहे हैं नाउ, हाँ,